हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यान जी को देखते हैं, जो कि उसी क्रिमिनल के जांच में लगा हुआ था कि आखिर वो बंदा है कौन। इसके बाद वो सभी एक फैक्ट्री में डेरा जमाते हैं, जिनमें वो सस्पेक्ट था कि वो बंदा यहीं पर आएगा। इसके बाद अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप किसी ने छोड़ दिए हैं, वो भी एक नहीं कई सारे। यहीं पर जो विलन है वो वहाँ से जो सामान उसको बचाना था उसे लेकर भाग जाता है। यहीं पर यान जी उसका अकेले पीछा करता है। इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो रही थी बिकॉज वो इतना दौड़ नहीं सकता था। लड़ाई करता है एंड काफ़ी भाग दौड़ के बाद उसके मुंह से खून आने लगता है और वो यहाँ पर उस विलन को एक बुलेट मार देता है, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसने अपना काफ़ी ब्लड लूज कर दिया था। एक बार जो विलन है उसके पैर में चोट तो लगी थी, तो हम समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। लिंगशा भी उसी जगह पर था। इसके बाद उस विलन को पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उसका गला दबाकर उसे बताता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं सब जानता हूँ। तभी वो कहता है कि तुम क्या समझते हो, मुझे बुलेट नहीं लगी है, मतलब मैं वो क्रिमिनल नहीं हूँ। इसके बाद जब लिंगशा उसका पैर देखता है तो सच में उसे बुलेट नहीं लगी थी। तभी लिंगशा सोचता है क्या मैंने गलत आदमी को सस्पेक्ट किया, लेकिन नहीं नहीं यार, ये बंदा वही था। दरअसल उसके पास लिंगशा के ब्लड की बोतल थी और ये ब्लड की बोतल दरअसल उसी बंदे ने दी है जिसने सालों पहले लिंगशा का ब्लड ड्रेन किया था। मतलब उसके पास अभी तक उसके ब्लड के सैंपल हैं जिससे वो सालों तक जिंदा रह रहा है और अभी तक जिंदा है और क्या पता कब तक जिंदा रहे। पर उसके बाद आई होप ज़्यादा सैंपल नहीं बचे हैं। लिंगशा को दोबारा मारकर उसका ब्लड ड्रेन करना चाहता है ताकि और भी जिंदा रह सके। मतलब पता नहीं कितने हज़ारों सालों तक जीना है इस बंदे को। हॉस्पिटल जाते ही यान जी की सच्चाई सबको पता चल जाती है कि उसे लंग कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर बच नहीं सकता। यहीं पर यान जी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बट उसे इस बात की होप रहती है कि लिंगशा उसे बचा सकता है। तभी वो कहती है कि प्लीज़ उसे बचा लो। तभी लिंगशा कहता है तुम समझती क्या हो, मैं उसे नहीं बचा सकता बिकॉज मरना एक नेचुरल फिनोमेना है और उसे बदलकर मैं नेचर का जो रूल है उसे नहीं तोड़ सकता। तभी यहाँ पर यान जी कहती है कि प्लीज़ बस एक बार उसे बचा लो, मैं तुमसे कोई भी कंप्लेन नहीं करूँगी, ना ही तुमसे कुछ मांगूंगी जिंदगी भर। यहाँ पर लिंगशा साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं और आज ग्रीडीनेस मुझे तुम्हारी आंखों में भी दिख रही है। मैं तुमसे कुछ शिकायत नहीं करना चाहता बिकॉज हर इंसान चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है वो जिंदा रहे, जैसे कि तुम चाहती हो। यहीं पर वो कहती है कि प्लीज़ उसे बचा लो, यान जी उसके छोटे भाई की तरह है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता बिकॉज हर किसी को मरना है। श्वान ये चैन तुम सभी मरेंगे, बट मैं ऐसे किसी को भी नहीं बचा सकता। यहाँ पर यान जी उसे काफ़ी मेहनतें करती है, एक बार नहीं उसे कई बार यही बात करती है। तभी लिंगशा साफ साफ मना कर देता है। यहीं पर वो यान जी के पास आती है तो यान जी की हालत ख़राब देखकर उसका दिल बिगड़ जाता है और सोचती है कि उसे कैसे ना कैसे यान जी को बचाना होगा बिकॉज वो उसका इतना प्यारा दोस्त है और उसके छोटे भाई की तरह है, मतलब कभी एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। यहीं पर वो लिंगशा को मिल्क में कुछ मिलाकर पिला देती है। इसके बाद सोचती है कि वो लिंगशा का थोड़ा सा ब्लड ड्रेन कर लेगी। इसके बाद उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि कोई भी दिक्कत आ जाए बट मुझे ये सब करना ही होगा, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, आई एम सॉरी बट मुझे इसे करना ही होगा। इसके बाद लिंगशा जाग जाता है और कहता है कि कोई पॉइजन मेडिसिन मेरी बॉडी में जाते ही ब्रेकडाउन हो जाती है और मेरे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। लिंगशा जाग जाता है इसको देखकर, यान जी डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट मैं सच में चाहती हूँ कि तुम यान जी को बचा लो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पर लिंगशा कहता है कि अगर मैंने ये सब किया तो सबको मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा, जानती हो ना कि दुश्मनों की कमी नहीं है और मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, शायद बाद में यान जी को भी। कहता है ठीक है मैं उसकी हेल्प करूँगा बट इसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँगा बिकॉज मुझे पता है कि ग्रीडीनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, शायद तुम्हारी भी नहीं होगी। यहीं पर जंग इस पर कुछ भी नहीं कर पाती और वो कहता है कि मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा और हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद जंग जी को इस बात का भी दुख होता है बिकॉज वो लिंगशा को लूज़ नहीं करना चाहती। यहीं पर लिंगशा अगले सुबह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जंग जी रूम से बाहर निकलती है और लिंगशा पता नहीं कैसे शायद उसे किस कर अरे जैसे भी करके उसे ब्लड देता है। के बाद रूम से बाहर निकलता है, जांग जी उसे थैंक यू बोलती है। यहीं पर लिंगशा उसे बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और कहता है गुड बाय, शायद कभी ना मिलें। इसके बाद भाई साहब हार्ट ब्रोकन होकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। दरअसल ड्रिंक का तो मॉन्स्टर पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो घंटा उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद वो कुछ गुंडों से टकरा जाता है जो कि उसे काफ़ी मारते हैं, जबकि लिंगशाओं के एक पंच के नहीं थे वो, पर लिंगशा उनसे मार खा लेता है। प्यार में टूटा आशिक कुछ भी कर सकता है। यहीं पर जांग जी यान जी के जिंदा होने पर वापस खुश तो होती है, बट उससे इस बात का ज़्यादा दुख था कि लिंगशा उसे छोड़कर चला गया और वो सच में काफ़ी ग्रीडी हो गई थी, बट उसे यान जी को भी तो बचाना था, दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट लिंगशा उसे छोड़कर चला गया। इसके लिए काफ़ी दुखी होती है और अपने सारे मोमेंट्स याद करती है जो कि उसने लिंगशा के साथ स्पेंड किए थे।
यहीं पर यान जी जियांग जी को विजिट करने के लिए आता है और कहता है कि जब से मैं सही हुआ हूँ तो मुझे कभी मिलने नहीं आई। तभी जियांग जी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी कहता है क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं सही हो गया। तभी जियांग जी उसे पिलो फेंक कर मांगती है और कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे कोई चिंता नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया और मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा चिंता में थी तब, और तुम अभी सोच रहे हो कि मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसके बाद उसका रोना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज लिंग शाओ का दुख उसके मन से जा नहीं रहा था और यान जी लिंग शाओ के ना होने का एक जीता जागता सबूत था बिकॉज यान जी है तो लिंग शाओ नहीं होगा। यान जी जियांग जी को वो ड्राइव करके उसके घर पर लेकर आता है। यहाँ पे जियांग जी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रही थी। तभी कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब वैसे ही ठीक हो रहा है जैसा कि मैं चाहती थी। यहाँ पर यान जी समझ रहा था कि जियांग जी का ज़रूर लिंग शाओ से ब्रेकअप हुआ है और शुआन शुआन ने दरअसल उसे सब कुछ बता दिया था। आखिर बेस्ट फ्रेंड को तो सबका पता ही रहता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऐसे शुआन शुआन को भी सब पता रहता है। और लिंग शाओ भी उसके घर पर प्रेजेंट था। यहीं पर जब जियांग जी को एहसास होता है कि कोई है, इसके बाद वो यान जी को देखने नहीं देती और उसे घर वापस भेज देती है। इसके बाद लिंग शाओ को देखने के लिए जाती है। यहाँ पर लिंग शाओ कहता है कि मैंने शायद तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, आई एम सॉरी। यहीं पर जियांग जी कुछ भी नहीं कह पाती। तभी लिंग शाओ कहता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था। इसके बाद अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसने सच में मैसेज किया था और कहती है कि उसने गलती से कर दिया बट अब वो नहीं करेगी। इसके बाद लिंग शाओ कहता है बस तुम्हें यही करना था क्या? तो वहाँ से जाने लगता है। यान जी अपने सपनों में खो जाती है कि वो जाएगी लिंग शाओ किस करेगी एंड उससे यहाँ से ना जाने के लिए कहेगी बट वो ऐसा करती नहीं है। इसके बाद अपना रोना स्टार्ट कर देती है बिकॉज लिंग शाओ जा रहा था। और यान जी इतनी जल्दी रिकवर हो गया वो भी इतनी बड़ी बीमारी के बाद, तो ये सब सस्पिशियस होना तो बनता है। यहाँ पर एजेंट का दिमाग घूमता है और सारी स्टडीज़ करने के बाद उसे फाइनली कैलकुलेशन मिली जाती है कि जिस एंजाइम और कुछ भी कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स से जियांग जी बची थी और यान जी बचा है, मतलब ये सब उसी मॉन्स्टर का कमाल है। और इसके बाद वो जियांग जी को कॉल लगाता है और कहता है कि उसे सारी सच्चाई का पता चल गया है। दरअसल वो मॉन्स्टर कोई और नहीं है बल्कि लिंग शाओ है। बिकॉज जो भी क्लू मिले हैं उसकी वजह से यही साबित होता है कि लिंग शाओ ही वही मॉन्स्टर है जिसने तुम्हें बचाया और अब यान जी को। इसके बाद जियांग जी गुस्सा आता है और वो उसे काफ़ी खरा खोटा सुनाती है और कहती है कि बास्टर्ड तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, मतलब तुम लोगों को बचाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मैंने लिंग शाओ को दूर भेज दिया, अब तुम उस पर यही सस्पेक्ट कर रहे हो, उसे मॉन्स्टर ठहरा रहे हो, वो मॉन्स्टर नहीं है, वो तुम्हारी तरह वो मेरी तरह इंसान है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उसे इतना कुछ सुनाती है और कहती है कि मैंने तुम सभी दोस्तों के लिए, मतलब इतने खराब दोस्तों के लिए ये सब किया, मेरे लिए तुम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि लिंग शाओ को भी मैंने छोड़ दिया और अब तुम सोच रहे हो कि वो मॉन्स्टर है और कुछ भी है लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं है। इसके बाद उसका इतना चिल्लाना येचिन को चुप करवा देता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा था। यान जी उसे वादा लेती है कि किसी को भी मत बताना, श्वान श्वान और यान जी को भी नहीं। इसके बाद येचिन कहता है कि हाँ किसी को नहीं बताएगा। जियांग जी की मॉम उसे सरप्राइजली विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम ने पहले ही लिंग शाओ को कबर्ड चेक कर लिया था, मतलब उनका सन इन लॉ घर से गायब है। इसके बाद जियांग जी उन्हें सच्चाई बता देती है कि लिंग शाओ से उसका ब्रेकअप हो गया है और इस बात को काफ़ी सीरियस मूड में सब कुछ बताती है। तो उसकी मॉम उसे अंडरस्टूड करती हैं और कहती हैं कि वो समझ सकती हैं, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारे ऐसे ब्रेकअप होते रहते हैं बट मुझे लगता है ये वाला सन इन लॉ मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो सारी गलती तुम्हारी होगी बट मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं कर सकती, तुम्हारी तो बैड लक ही है, तुम तो अनलक्की हो। यहीं पर हम यान जी को देखें तो काफ़ी रोमांटिक तरीके से जियांग जी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर काफ़ी सजावट थी जो कि पहले कभी जियांग जी ने की थी फर्स्ट एपिसोड में। वो उसके साथ ड्रिंक करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट। तभी यहाँ पर जियांग जी कहती है कि वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, शायद अब तो नहीं, बिकॉज वो लिंग शाओ को पसंद करती है और शायद हमेशा करती रहेगी, उसे अभी भी होप है कि लिंग शाओ उसके पास लौट कर आएगा। और यहाँ पर यान जी कहता है कि ये रिंग मैंने अब नहीं खरीदी, ये रिंग मैंने तब खरीदी थी जब हमने डेटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, मतलब मैं तुम्हें मेरा क्रश तुम्हें बचपन से ही था बट तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनते गए एंड मेरी होप गिरती गई, पर मुझे यकीन था कि एट लास्ट तुम मेरे ज़िंदगी में ज़रूर आओगी और जब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने तो मेरी होप बढ़ गई बट जब मेरी बीमारी का मुझे पता चला फिर दूर जाने लगा। एक बार अपनी सारी स्टोरी बताया तभी जियांग जी कहती है कि वो सब कुछ समझ सकती है बट शायद अब देर हो चुकी है, हम अपना रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स ही रहने दो यार। फाइनली हमें उस मेन विलन का चेहरा दिखाई देता है और वो मेन विलन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर होंग है। अरे इनको तो हम पहले ही सस्पेक्ट कर चुके थे और मुझे पक्का पता था कि यही मेन विलन निकलेगा। एक बार मिस्टर होंग जल्दी से तैयार होकर जा रहे होते हैं बिकॉज उन्हें यहाँ शुआन शुआन से मिलना था। शाओ और जियांग जी को देखते हैं जो कि अपने वेकेशन पर जा रहे होते हैं, मतलब लिंग शाओ लास्ट टाइम जियांग जी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था बिकॉज उसके बाद हमेशा के लिए चला जाएगा। यहाँ पर जियांग जी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो कि शॉन शॉन से मिलने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर जब अपनी गाड़ी में बॉक्स चेक करते हैं, मतलब उसमें
लिंग चौक का पक्का ब्लड होगा, लेकिन वो डिब्बा बिल्कुल खाली था, मतलब उसमें कोई भी ब्लड सैंपल नहीं था। इसके बाद उनका आपा खोने लगता है, मतलब उनका जो बुढ़ापा है वो बाहर आ रहा था। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, चलते फिरते लड़खड़ाते हुए, मतलब उनके पैर भी ढंग से काम नहीं थे। इसके बाद वो अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि ये बूढ़े इंसान तो काफी ज्यादा बूढ़े हैं, इनके बाल भी सफेद हो चुके हैं, बट भाई साहब कितने सालों से इसे छुपा रखे हैं। इसके बाद उनका चलना ही मुश्किल हो जाता है और रेंगते रेंगते उस रूम तक पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने लिंग चौक का ब्लड जमा कर रखा था। यहीं पर शुआन भी उनके घर के बाहर पहुंच चुकी थी और वो नहीं चाहते थे कि शुआन उन्हें ऐसी हालत में देखे। तभी शुआन गेट पर दस्तक करती है। यहीं पर मिस्टर होंग अभी रेंग ही रहे थे। शुआन काफी अजीब लगता है, इसके बाद उन्हें कॉल करती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। सो देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या होने वाला है और मिस्टर होंग का क्या होगा, शुआन को पता चलेगा। और बाय द वे देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तक के लिए बाय बाय।